इंडिया ने एक और मतलब तीसरा बड़ा मून मिशन करने जा रहा है। एग्जैक्टली और तीसरा इंडिया का जो मिशन था चंद्रयान 3, इट वाज सो यू नो अनप्रडिक्टेबली ग्रेट मेरे ख्याल में। और अगर हम लोग बात करें वहाँ के जो डायरेक्टर्स थे उनसे बोला नहीं जा रहा था, मैंने उनकी मतलब वो लाइव जब देख रही थी तो वो लॉन्च हो रहा था एंड दे वर लाइक सो हैप्पी, आंखों में उनके आंसू थे और वो स्माइल कर रहे थे एंड इट वाज अ यू नो 4 years ऑफ हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल और फाइनली चंद्रयान टू के फेलियर के बाद, फेलियर हम उसको भी नहीं कहेंगे आई थिंक, क्योंकि वो चांद तक तो पहुंच गया था, सिर्फ लैंडिंग का जो था ना वो इशू था। अब सिचुएशन ये है कि वो लोग इतने ज़्यादा खुश थे, मतलब दे कुडंट इवन स्पीक, उनके वर्ड्स ख़त्म हो गए थे एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी भी पेरिस में थे तब, उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने कंग्रेचुलेट किया। फाइनली जो है चंद्रयान सक्सेसफुली जो है वो लॉन्च हो चुका है, 40 दिन के बाद जो है उसने होपफुली डेफिनेटली उन लोगों ने जितनी 4 साल की स्ट्रगल की है, मेहनत की है ना, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज सक्सेस फॉर इंडिया। और ऑब्वियसली ऑलरेडी जो है इसरो is one of the biggest space organizations in the whole world. Kasim, kya kahoge, India ne aaj badi kamyabi ke saath Chandrayaan 3 launch kar diya, kitni badi achievement hai India ka, teesra moon mission hai Chandrayaan 3. मैम देखें ये मामला तो इंडिया का ना, मैं सरप्राइज नहीं हुआ यकीन जाने, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, आए दिन हमें मंथ में एक आधी खबर तो ऐसी मिल जाती है, कभी उन्होंने कोई गाड़ी निकाल दी, हम यहाँ पर तराना निकालते हैं वो गाड़ी निकाल देते हैं, तो लिटरली मैं सरप्राइज नहीं इतना हुआ जितना होना चाहिए था, क्योंकि वो करते यही को पाकिस्तान करता तो मैंने कहा है यार झूठ होगा ये होगा वो, तो असल मसला हमारा ये है, मैं जिसका क्रेडिट इंडिया को देता हूँ वो उसकी एजुकेशन डिपार्टमेंट, आईटी अच्छी होगी तो आप इस तरफ जाएंगे ना, आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट अच्छा होगा तो आप इतने बड़े एक्सपेरिमेंट की तरफ जाएंगे, वरना वही होता है कि यार आज मैं 16 फुट की कंध बना दी और मैंने ये 18 फुट की दीवार बना दी, यही चीज़ें होती हैं। दैट्स अ वेरी बिग, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और वो ये है कि चंद्रयान 3 जो है, जो कि 3rd लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, उसने इंडिया से टेक ऑफ कर लिया है और ये कहा जा रहा है कि ये चौथा 4th ऑपरेशनल मिशन है, और इसरो जो है वो कहा जा रहा है कि जो एक नई डायरेक्शन में इंडिया को लेके जा रहा है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और ये जो चंद्रयान है, देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये तकरीबन 24 अगस्त तक जो है ये चांद तक पहुंचेगा, और जारी बात है ये जो चंद्रयान 3 की जो इशू जो इसका मिशन है वो ये है कि ये लैंड करे लूनर सरफेस के ऊपर, वहाँ से डाटा कलेक्ट करे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करे और जो मून की कॉम्पोजिशन है उसको डिस्कवर करे।